हाथों में लाठी, लड़खड़ाते कदम। लड़खड़ाती कदमों से चलती रासमणि देवी साहब काफी समय से प्रशासन के चक्कर काट रही है। अब इन बूढ़ी आंखों को इंतजार है तो बस कब उन्हें न्याय मिले। आराम करने की इस उम्र में शारीरिक रूप से कमजोरी के बावजूद भी आज अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल रासमणि देवी साहब की 11 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। शादी के बाद दक्षिण कोलकाता के बीके रोड स्थित जिस मकान में वो रह रही है, ये जगह एक ठेका जमीन के रूप में है और रासमणि यहाँ लगभग 80 साल से अपने परिवार के साथ रह रही है। जमीन का ठेका उनके पति बहादुर साहब के नाम पर दर्ज था। पति की मौत के बाद जमीन का ठेका उनके और उनके बेटे भोला साहब के नाम पर हो गया। जमीन का टैक्स का भुगतान भी अब रासमणि करती आ रही है। आरोप है कि कुछ लोग इस जमीन को अपना बता रहे हैं और अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जमीन पर वो मकान है, जगह से उन्हें और उनके किराएदार को निकालने की धमकी भी दे रहे हैं। एसके शूर एडवोकेट, मामला हु इज द एक्चुअल ठिका टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 5/8/20 भूकैलाश रोड। अभी ठिका कंट्रोलर जो है वो डिटर्मिनेशन करता है हु इज द एक्चुअल ठिका टेनेंट। यहाँ पर केस है, मेरा जो क्लाइंट है रासमणि साहु, उसका पहले उसका जो हस्बैंड था बहादुर साहु, वही पहला ठिका टेनेंट था, लेकिन वो गुजर जाने का बाद रासमणि साहु एंड हिज हर सन भोला साहु इज द एक्चुअल ठिका टेनेंट। अभी बहुत सारी पार्टी आ रहा है, वो लोग क्लेम करता है, लेकिन उसका पास कोई कागज़ नहीं है। वो लोग क्लेम करता है क्या जो हम लोग ठिका टेनेंट है, लेकिन एक्चुअली उसका पास कोई कागज़ नहीं है। कंट्रोलर उसको टाइम दे रहा है, इसीलिए बोला सब पक्ष का, सब पार्टी का जो ऑब्जेक्शन है सब कुछ देने के लिए 22 तारीख, अगला 22 तारीख। रासमणि साहब, क्या मामला है जो अदालत में आना पड़ा आपको? हमारा एक गाड़ी का जमीन का केस है। कहाँ पे है ये जमीन? 5 नंबर भूकैलाश घर। क्या हुआ था उस जगह पर? उस जगह में सबको बाल माने हमारा रैयत लोग मारता है, गाली देता है, घर से निकालता है, हमको तो निकाल ही दिया है। कौन निकाल दिया आपको? वही सब मिल के निकाला है। कौन है ये? अब नाम देवानंद है, उसका बेटा नहीं, कोई नहीं, हमारा रिश्ता नहीं, कोई नहीं, सब भरेटा है। कब से हो रहा है ये? हो रहा कितना दिन? 8वां महीना से। ये जमीन आपके नाम पे थी? हाँ, मेरे पति के नाम से रहा, तो अभी हमारा नाम से। कितने साल से है आपकी जमीन? आप कब से कैप्चर हुआ? एक माने कैप्चर हुआ है जब से हम शादी करके आए, तब से हमारा उस जमीन है। मामला लड़ रही है ना अभी? नहीं नहीं, तब से नहीं, तब से ऐसे। कब पता चला कब जगह पे? हमारा आदमी मर गया रहा तब। हमका संजू राय नाम है। हुआ है, देखिए हम लोग का केस चल रहा है, वो अथी हम लोग को परेशान करता है, बोलता है मेरा बारा ही, मेरा बारा जमीन है, अजगर है, अजगर है, बोला कि मेरा बारी है। कब से बोल रही है आप लोग? आपका खुद का जमीन है ना वो तो? हाँ, मेरा बारी वाला का, हम लोग अभी तक भीड़ कटाते हैं, रासमणि मेरा बारी वाला है। आप लोगों ने थाने में कंप्लेंट किया है? कंप्लेंट की है, पुलिस कुछ नहीं करते हैं। इकबालपुर थाना हम लोग का जानते हैं, घर पूरा गिरा हुआ है, बाथरूम नहीं है, सब हम लोग को परेशानी है। थोड़ा हम लोग को चल के देखे कितना परेशानी से रहते हैं। वो लोग घर में जहाँ कुछ करने जाते हैं, घर में ढुक जाता है, सब बारी में ढुक जाता है, बारी में ढुक के झमेला करता है, मारगाड़ी करता है, मरने लगता है। लोकल प्रशासन नेता किससे बात किए इसको लेकर? सबसे बात किए हैं, कौंसलर साहब से किए बात, कौंसलर साहब से बात किए, सोमा दास मैडम जी से बात किए, तो बोले ना जो आप लोग का झमेला चल रहा है बारी में, तो हम नहीं जाएंगे बनाने के लिए। आए भेजे थे भी आदमी को भेजे बनाने के लिए, लेकिन उनको मार धार करने लगा, जमीन सब पूरा आदमी को लेके आया, बाहर से आदमी को लेके आया, हम लोग से मार धार करने लगा, नहीं बनाने देंगे तो लोग को, सब बहुत परेशान करता है सर जी हम लोग को। रासमणि के साथ है, रासमणि मेरा बारी वाली, अभी भी हम लोग बिल कटाते इसी से। हम लोग 70 साल से है सर जी, 70 साल मेरे सास ससुर रहते थे, अब हम रहते हैं 70 साल से हम लोग रह रहे हैं। कहीं से कहाँ मदद मिल रहा है? हम लोग क्या करेंगे? आप देखिए मदद मांग रहे हैं, सबसे मदद मांग रहे हैं हम लोग, सर मदद कीजिए। हम लोग कम से कम 10-12-15 आदमी है, 15 आदमी है, 15-20 आदमी है। हमको दीदी से मुलाकात करा दीजिए, हम दीदी से मुलाकात करना चाहते हैं, दीदी हमको हेल्प करिए, दीदी हम लोग बहुत परेशानी में है, ये लोग मारता गरियाता है बाहर।
जाके घर में ढूंढ के कहता है कुछ नहीं करना, हम लोग का घर गिर जाएगा, अब हम लोग का देह पर घर गिर जाएगा, बाथरूम नहीं बनाने देता है, न घर बनाने देता है, बाहर के आदमी ला के मारगारी करता है, जखनी तखनी बारी में ढुक जाता है, सब जनता बाहर से आदमी ला के जखनी तखनी बारी में ढुक जाता है, बारी में गेट भी नहीं है, हम लोग का घर गिरा हुआ है, कुछ नहीं, थाना में गए केस किए, दो चार दिन हो रहा है, हम लोग का मारा मेरा बहू को एक बार पूरा थाना के बस केस लिख लिया, रिपोर्ट लिख लिया, हो गया बात खत्म, बात 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 बात, बात पर बात बात पर वो लोग मारपीट करने को उतर जाता है, बात बात गाली देता है, कितना दिन से हो रहा है, देखिए अब कितना दिन से हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है, ये लोग झमेला कर रहा है, उतना बहुत बहुत दिन से, मेरा नाम तो संजू राय है, हम सब टेनेंट है, जितना है हम सब टेनेंट है इनका, रासमणि देवी का, अभी भी हम लोग पुलिस के सामने गाली देता है, कुछ हेल्प करिए, कोई एक्शन नहीं लेता पुलिस, दीदी से मुलाकात करा दीजिए हमको, दीदी भी देखिए हमको निकला था, नार दिखाया मारने के लिए, बोला वो चलो, हम लोग को बहुत परेशान करता है, दीदी धमकी दिया बारी में आ